गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए आज हम कवि निराला की कविता अट नहीं रही है के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर एक, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर, फागुन की प्रकृति प्राय सभी को दर्शन लाभ कराती है। ऐसा कौन से हृदय जन हो सकता है जो प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत न हो। फागुन में बसंत का यौवन है, मादकता है, प्रफुल्लता है, अतः से हृदय जन आकर्षित हुए बिना नहीं रहता। कवि से हृदय जन के साथ साथ प्रकृति प्रेमी भी है, वह प्रकृति का सूक्ष्मदर्शी भी है, वह प्रकृति में अपनी रुचि के अनुसार सुंदरता ढूंढ लेता है। इस कारण कवि फागुन की सुंदरता से अपनी आँख चाहते हुए भी नहीं हटा पाता है। प्रश्न नंबर दो, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? उत्तर, कविता अट नहीं रही है में प्रकृति की व्यापकता का वर्णन कवि ने निम्नलिखित रूपों में किया है। नंबर एक, फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव सर्वत्र व्यापक है, जिसे विविध रंग के नव पल्लवों पुष्पों के रूप में पेड़ों पर देखा जा सकता है। नंबर दो, फागुन की प्रकृति का प्रभाव मनुष्यों के मन पर देखा जा सकता है। कवि तो प्रकृति के सौंदर्य से इतना प्रभावित है कि वह प्रकृति के दर्शन से तृप्त नहीं हो पा रहा है। नंबर तीन, फागुन का इतना प्रभाव है कि सर्वत्र उल्लास और उत्साह दिखाई देता है। नंबर चार, फागुन की इतनी अतिशय शोभा है कि कहीं भी समा नहीं रही है। प्रश्न नंबर तीन, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर, फागुन में बसंत का आगमन होता है। पतझड़ के कारण पेड़ जो स्नेहहीन उदासीन से खड़े रहते हैं, अनमने रहते हैं, वे सभी नव पल्लवित पुष्पित हो उठते हैं। पर्यावरण स्वयं प्रफुल्लित हो उठता है, प्रकृति झंकृत हो उठती है, रूठी कोयल मधुर गान कर उठती है। इस तरह फागुन में उत्साह होता है, ऐसा अन्य ऋतुओं में नहीं होता है। कभी ठिठुरन होती है तो कभी गर्मी का ताप संतप्त करता है, तो कभी पतझड़ के कारण पेड़ शोभाहीन होते हैं। प्रश्न नंबर चार, अट नहीं रही है कविता में कवि का क्या संदेश है? उत्तर, अट नहीं रही है कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि फागुन में प्रकृति का सौंदर्य सर्वत्र व्याप्त है। वृक्षों की शाखाएं प्रकृति की सुंदरता से सजी हुई अपना वैभव तथा सौंदर्य बिखेर रही हैं। प्रकृति में पूरा उन्माद है। कवि की तरह प्रकृति के सौंदर्य दर्शन का खूब लाभ उठाएं, थके मांदे जीवन में प्रसन्नता का अनुभव करें, इतने प्रफुल्ल हों, इतने आनंदित हों कि फागुन की सुंदरता की तरह हमारी खुशियां भी अनंत हों। तो बच्चों, ये थे कविता अट नहीं रही है के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा याद करेंगे। धन्यवाद।